नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट अमित पांडे, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश, नरसिंहराव फैकल्टी एट लॉ। और फाइनली आज की जो खबर है वो ये है कि कल शाम को यूपीएसआई की भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट में रिट फाइल हो गई है। जी हाँ, कल शाम को रिट फाइल कर दी गई है और भर्ती का फंसना लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भर्ती बोर्ड में भी जिस तरह की तेजी आई है ना, जिस तरह की सरगर्मियाँ बढ़ी, एक दिन में तीन तीन नोटिफिकेशन आई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब ये जो कोर्ट में चली गई है रिट पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई है, अब इसके ऊपर जो सुनवाई होगी, अब ये कुछ लोगों के लिए, कुछ साथियों के लिए अच्छी खबर होगी, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी होगी, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो 140 नंबर अपने दम पे लेके आए होंगे और ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो 110 नंबर में भी चीटिंग करके लाए होंगे। दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसमें कुछ का खुश होना, कुछ का नाखुश होना जायज है। पर आपकी खुशी या आपका दुख तब हो जब, पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं कि आप फैसला लें कि आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। क्योंकि आपको 2016 की एसआई की भर्ती याद होगी मित्र, आज भी कोर्ट में है, 2018 के वीडियो की भर्ती आज भी कोर्ट में है, उन सब के ऊपर बात करेंगे, एक एक पहलू पर बात करके, और फिर मैं आपको समझाऊंगा और फिर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपना पक्ष चुनने के लिए। आप खुश भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल आपका अपना ओपिनियन है। और साथ ही बात करेंगे सुनील चौधरी सर के बारे में, जिन्होंने इस रिट को फाइल किया है। तो सर, अब काफ़ी हद तक भर्ती का रुकना लगभग तय है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच सकती है, अब मैं उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको यूपीएसआई 2016 की बात करना चाहता हूं। आप थोड़े खुश हैं या दुखी हैं, अब आप सोचिए, 2016 में वैकेंसी आती है 3307 सीटों पर, चलती रहती है प्रक्रिया, मामला कोर्ट में चला जाता है 2017 में, कोर्ट में सिंगल बेंच में जाता है हाई कोर्ट में, वहाँ से फैसला आता है, फिर सिंगल बेंच के फैसले मैं सारे ब्रीफ में आपने दे, बस ब्रीफ दे रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद से वहाँ से मामला डबल बेंच में जाता है, डबल बेंच से भी मामला क्लियर होता है, डबल बेंच के बाद से सीधा भर्ती बोर्ड उठा के उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट से भी मामला क्लियर होता है, सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस इंदिरा बनर्जी जी का फैसला आता है, वो भी कहती हैं कि हाई कोर्ट में एक डबल बेंच बनाया जाए और फिर उसकी जाँच की जाए। फिर मामला वहाँ से उठ के हाई कोर्ट में आता है, 2019 तक चलता है, 2019 में फिर डबल बेंच का हाई कोर्ट का फैसला आता है और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और इनमें से कुछ मित्र जिनका चयन हो गया है, उनके भी आप सोचिए ना कि इनमें दोनों में से कौन खुश है। एक जो 2016 में एग्जाम देके आज भी कोर्ट कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, क्या उनको खुद समझेंगे? या फिर जो, चलिए जो एसआई की नौकरी पा चुके हैं लेकिन उनसे एक बॉन्ड भरा गया है कोर्ट के ऑर्डर के बाद से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से, कि अगर जांच में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो एक वो जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका चयन हो गया है, और हर रोज़ वो इस डर से जीते हैं कि कल फैसला आएगा और हो सकता है भर्ती से हमारा नाम निकल जाए। और एक ये बच्चा जो साथी जो आज भी दौड़ रहे हैं धूप में कोर्ट में, तो आप देखिए कोर्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं वीडियो के 2018 की भर्ती पर। 2018 में वीडियो की भर्ती आती है, मैं आ रहा हूँ सर 2021 पे भी आ रहा हूँ, एसआई के ऊपर भी आ रहा हूँ, और इस बार क्या हो सकता है उसके ऊपर भी आ सकता हूँ, और बोर्ड क्या कर सकता है इसकी भी बात मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाता चलूँ ताकि आप भी समझ पाएँ, और जिन मित्रों को कोर्ट पे कोर्ट लगता है और जिन मित्रों को बिना कोर्ट का लगता है, सबकी बातें करता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं वीडियो 2018 की भर्ती पर। अच्छा मित्र, एक चीज़ और है, आप सबसे निवेदन है, आप इतनी कंजूसी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक जा रही है और अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं आप सबके लिए एक अच्छा कंटेंट हमेशा लाता रहूं। तो पॉसिबल हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। वैसे भी देखिए, एजुकेशनल चैनल है, कोई अश्लील चैनल है नहीं कि इसमें अश्लीलता आएगी और आप उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको कोई गंदी चीज़ सिखाएगा। कभी भी ये आपके स्क्रीन पे आएगा तो आपको ज्ञान की बात ये बताएगी, कानून की ही बात बताऊंगा, और वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही रहेगा, आपके हित में ही रहेगा। तो पॉसिबल हो तो आप सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, 2018 के वीडियो की भर्ती आती है, परीक्षा हो जाती है, चयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चयन हो भी जाता है, लोगों के चयन के नौकरी का ऑफर मिल जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, और फिर भर्ती बोर्ड को लगता है कि नहीं, गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हुई है, भर्ती बोर्ड इस बार परीक्षा रद्द कर देता है। 2018 में बच्चे उठते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाता है, मामला चलता रहता है, कोर्ट में फैसला अभी आया है सिंगल बेंच जज में कि नहीं, भर्ती बोर्ड ही सही है, दोबारा परीक्षा कराए और फिर से परीक्षा कराए और निष्पक्ष परीक्षा कराए। अब जिन बच्चों का चयन हो गया है उनका कितना नुकसान, 3 साल का केस लड़े हैं, वो दर दर की ठोकरें खाए हैं, अब उनके पास क्या रास्ता है कि वो डबल बेंच के में ना जाएं? तो मुझे पूरा उम्मीद है, शायद मुझे पता भी चला कि वो डबल बेंच में के लिए अपील कर रहे हैं, डबल बेंच से भी आएगा, फिर मामला डबल बेंच में जाएगा। अभी 2016 की एसआई की वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हुई है, कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, और अभी सुनने में आ रहा है जनवरी फरवरी तक शायद क्लियर हो जाए, मतलब 5 साल आपकी ज़िंदगी के निकल गए।
वीडियो वाले मामले में भी देखिए, जिनका चयन हो गया जिनका नहीं हुआ, कोर्ट में सब कुछ रुका हुआ है। अभी फैसला आ गया है कि भर्ती बोर्ड को कहा गया कि आप फिर से एग्जाम कराएं, बच्चे डबल मित्र जो है साथी जो है वो डबल बेंच के लिए जा रहे हैं। अगर वीडियो की वैकेंसी फिर डबल बेंच में जाएगी, डबल बेंच का भी फैसला आएगा, फिर डबल बेंच के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद से एक रिव्यू कमेटी में जा सकते हैं। तो आप सोचिए, अब आपके ऊपर है, अब यहां से आपके ऊपर है कि आप खुश हो या दुखी हो, यह आपका विषय है। चलिए अब आगे आते हैं कि इस 2021 की वैकेंसी में क्या होने की संभावना है। देखिए, जो एडवोकेट है ना, जिन्होंने रिट फाइल की है, सुनील चौधरी सर, वो हमारे यहाँ हाई कोर्ट के बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही हार्डवर्किंग एडवोकेट। तो अब वो कोई भी ऐसा पहलू छोड़ेंगे नहीं जिससे कि मतलब अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है जो कि दिख रही है, तो कोर्ट में वो एक एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ेड़ देंगे, भर्ती बोर्ड की धज्जियाँ उखाड़ देंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भर्ती का रुकना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने अभी रिट डाल दी गई है। हाँ, हालांकि अभी कोर्ट ने सुनवाई का डेट नहीं दिया, जैसे ही देगा मैं आपको आगे का फॉलोअप दूंगा। बस कोर्ट के अंदर की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे एथिक्स के खिलाफ, पर जो लगता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जैसे ही कोर्ट में सुनवाई होगी, हालांकि एक चीज़ का यहाँ फिर से आप ख्याल रखिए कि भर्ती बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर है कि वो भर्ती जल्दी से जल्दी खत्म करे, चुनाव के वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो वो भी कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत आगे है, वो हरीश सालवे को भी हायर करती है अपने केस के लिए, तो हरीश सालवे सर जैसे वकील भी आ सकते हैं और वो केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। पर सुनील चौधरी सर भी कम नहीं है किसी से, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी कड़ी टक्कर होने वाली है इस केस में। और जब भी टक्कर दो वकीलों की होती है, जब भी टक्कर सरकार और हाई कोर्ट की होती है, जब भी मामला इतना गर्म होता है, तो सबसे पहले रोक दिया जाता है। तो अगर भर्ती बोर्ड ने इस बात को साबित कर दिया कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तब तो भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। हाँ, इसके पहले भर्ती बोर्ड ये पूरी प्रक्रिया करेगा कि जब तक मामला कोर्ट से स्टे ना आ जाए, उतने के बीच में ही वो अपना पूरा सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट कर ले। एक बार सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, लोगों का चयन हो गया, तो कम से कम जिनका चयन हो गया आगे का मामला देखा जाएगा। और एक बात याद रखिए कि यहाँ से मामला हाई कोर्ट से भी अगर नहीं होगा, तो सरकार हाई कोर्ट में अगर हार जाएगी सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट लेके चली जाएगी मामले को। तो ये अगर ऐसे चलेगा तो मामला जो है खिंचता चला जाएगा। और जैसे 2016 की वैकेंसी फंस गई है, मैं ना आप सबको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ना आप लोग मुझे ये कहिए कि तो क्या चाहते हैं आप कि हम लोग छोड़ दें, कल तक तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे मित्र, आप जा रहे हैं, आप जाइए, आपको पता चलेगा, जो नहीं गए हैं उनको भी पता चलेगा, नुकसान तो सबका होगा, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं सिर्फ लॉ के एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ आपसे। हमारा क्या है, हमें तो अच्छा ही है, हमारे लिए जितने सारे कोर्ट में केस आएंगे उतना ही अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं कि अब देखिए, रिट पढ़ने के बाद से सुनवाई होगी, अभी सुनवाई का डेट तय नहीं हुआ, जैसे ही होता है मैं आपको बताऊंगा। और अब जो है मामला आएगा, अब इधर से जब सबूत रखे जाएंगे हाई कोर्ट के समक्ष, तो सबसे पहले हाई कोर्ट स्टे लगाएगा, तो लगभग रुकनी तय है मामला अगर सुनवाई पे जाता है। तो रिट फाइल हो चुकी है, कल शाम को फाइल हो गई, तो अब ये अच्छी खबर या बुरी खबर, इसका फैसला आपके पास। अब आते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट पे कि देखिए, एविडेंसेस जो होंगे, कंक्लूड एविडेंस जिसके लिए आप कह रहे हैं, जैसे कि आप VNC के लिए कर रहे हैं, वर्चुअल नेटवर्किंग कंप्यूटिंग के लिए, जो मतलब कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ऑपरेट कर, इसके पुख्ता सबूत होने चाहिए। रिजल्ट अभी तक बोर्ड ने घोषित किया नहीं है, तो किसको 140 मिल रहा है, किसको 160 मिल रहा है, लेवलिंग के बाद से रिजल्ट क्या आएगा, इसके ऊपर भर्ती बोर्ड अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि अभी लेवलिंग हुई नहीं है, रिजल्ट पब्लिश नहीं किए गए, तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड इस तरीके से दिखाए कि भाई हमने ना अभी लेवलिंग किया है, ना ही अभी हमने रिजल्ट घोषित किया है, तो इतनी जल्दी इसका क्या है। लेकिन जल्दी ही भर्ती बोर्ड पूरी तरह से अपने आप को एक्टिव करेगा और इस भर्ती को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो कर। अच्छा, देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बहुत जरूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, भर्ती अभी देखिए, एक तरफ कोर्ट में भर्ती बोर्ड कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया खत्म करे और भर्ती को कंप्लीट करे। इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को फिजिकल के लिए कॉल आ जाए, तो भैया आप ये सोचेंगे कि मामला तो कोर्ट में है, तो आप क्या करेंगे, जाएं ना जाएं। देखिए, आप अगर कोर्ट में मामला है या कहीं भी है, भर्ती बोर्ड अगर आपको ज्वाइन करा देता है, देखिए क्योंकि वो कराएगा आपको, फिजिकल के लिए बुलाएगा, आप सब अपनी प्रिपरेशन को तेजी में रखें। कटअप की बात आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैंने पिछली वीडियो में बताया है उसके पिछले वाले में। बाकी कटअप बताने के लिए बहुत सारे ज्ञानी सर लोग हैं, आप उनकी कटअप समझें, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, तो कटअप की बात ना करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आता है ना, आप अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड हो सकता है आपको चयनित कर ले। अगर आपका चयन एक बार भर्ती बोर्ड कर लेता है ना, तो अगर मामला कोर्ट में जाता भी है, तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारी क्या गलती है कि हमें फैसले के बाद हमको हटाया जा रहा है।
हमारा चयन भर्ती बोर्ड ने किया है, तो आप सरकार से मुआवजा पाने के हकदार हो जाएंगे। मानसिक उत्पीड़न के लिए भी आप सरकार से करोड़ों रुपए का मुआवजा ले सकते हैं कि नौकरी देकर छोड़ने का मतलब क्या है। इसलिए आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस प्रक्रिया को पूरा करने का पूरा प्रयास करेगा। तो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। लीगल एस्पेक्ट में देखिए, बहुत सारे मित्र जो हैं, अच्छा हाँ, एक वीडियो को लेकर के जो कहा जा रहा है वो ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट को लेकर के, तो वीडियो को लेकर के मैं एक स्पेशली वीडियो भी बनाऊंगा, जल्दी ही बना दूंगा आप सबके लिए। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए, टाइम भी तो नहीं मिलता ना, देख ही रहे हैं काम इतना सारा रहता है, तो उसके लिए बनाऊंगा। हाँ, ट्रिपल सी को लेकर के जो हो रहा था कि ट्रिपल सी का उस टाइम नहीं था, आज मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो उसका क्या करेंगे। देखिए भैया, उस टाइम की वैकेंसी का उसी टाइम आपके पास जो नोटिफिकेशन निकलने के डेट तक जो डेट दिया गया है उस तक आपके पास ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट थे तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि वो भर्ती 2018 की है और आज वो 2021 की भर्ती में ज्वाइन नहीं हो रही है, 2018 में ही ज्वाइन होगी। तो ये बात हो गई। आपको और भी कोई अगर लगता है सवाल या समाधान तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आप सबका रिप्लाई करूं। और एक चीज़ और है कि देखिए, मैं सिर्फ लीगल फील्ड पे बात कर रहा हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूं, ना ही मैंने कोई एसआई का एग्ज़ाम दिया है और ना ही मुझे दरोगा बनना है, मैं खुश हूं अपनी नौकरी में। लेकिन चूंकि यूट्यूब चैनल बनाई है, काफ़ी पहले बना ली थी, और अब इतने लोग जुड़ गए हैं, उनकी इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं कि मैं इसे भाग नहीं सकता हूँ। सवाल आते हैं तो उनका जवाब देना मेरा काम है, इट्स माय ड्यूटी, क्योंकि मैंने बनाया था इसको। तो इसलिए सर मेरी मजबूरी है कि मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ जो हो सकता है। मैं ना आपको मिसलीड कर रहा हूँ, ना मैं आपको खुश कर रहा हूँ, और ना ही मेरा ये काम है कि मैं आपको खुश करता फिर। सर जो सच है वो यही है, आपके पास सिर्फ दो मौके हैं, जिनका सिलेक्शन होने, जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन होगा, वो अपने फिजिकल पर ध्यान दें, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी में वैकेंसी को कंप्लीट करेगी। और कोर्ट में अगर रुक भी जाता है, जो कि रुकना लगभग तय लग रहा है मुझे, हियरिंग के बाद आपको भी पता चल जाएगा, तो अगर रुक भी जाती है तो भी कम से कम आप इस मामले में कोर्ट में एक पार्टी बन के खड़े हो जाएंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा चयन भर्ती बोर्ड ने किया है और हमको चयनित किया गया है, तो हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए। तो उसको लेकर के आप कोर्ट में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत जल्द आप सबको कॉल करेगा। तीन तीन नोटिफिकेशन आया है सर, जनवरी तक कंप्लीट करने की बात कर रहा है, फिजिकल जनवरी के फर्स्ट वीक में करने की बात कर रहा है। तो आप सब थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखिए, आपकी कॉल भी आ सकती है जल्दी ही और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये पक्ष को यहाँ चलने दीजिए। कोर्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, वैकेंसी में क्या होने वाली है वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही मैं आप सबके लिए प्रार्थना भी करूंगा कि आप में से जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो उस लायक हैं, जो भी डिजर्विंग हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए। ये मेरी प्रार्थना है, दिल से मेरी प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जिनका भी जो डिजर्विंग है, किसी के साथ अन्याय ना हो। चलिए, तो आज की बात यही तक थी। अगर आपको कुछ जानना होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉसिबल हो तो, पॉसिबल क्या है, आपको एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब किया कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक किया कीजिए, हमें भी सपोर्ट किया कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे, कल बात करते हैं। प्रणाम।